ये आप पिन देख सकते हैं, कनेक्ट करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो मोबाइल है फुल्ली चार्ज हो रहा है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने ये बताया था कि आप अपने मोबाइल को किस तरह सोलर पैनल से डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि अगर आप अपने सोलर पैनल को डायरेक्टली चार्ज करते हैं तो वो चार्ज तो 101% होगा, बट गाइस उससे आपका जो मोबाइल है वो डैमेज हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम इसका सोल्यूशन लेकर आए हैं कि अगर आप अपने मोबाइल को डायरेक्टली सोलर पैनल से चार्ज करते हैं और उससे जो डैमेज होने का जो खतरा है उसको आप किस तरह कम कर सकते हैं या फिर एंड कर सकते हैं। तो गाइस, उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, उसके लिए सिर्फ आपको ₹5 का एक डायोड परचेज करना है और उसको किस तरह यूज करना है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल बने तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में आपको अपने मोबाइल को डैमेज होने से बचाने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस वीडियो में आपको कौन कौन से कंपोनेंट यूज में लेने हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको, आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक चार्जिंग केबल है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको ये सब एक्सप्लेन करके बताया था। इस वीडियो में बस नया कुछ नहीं है, नया बस इतना सा है कि हमारे पास एक 6 वोल्टेज का एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर को किस तरह यूज करना है मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। और उसी के साथ गाइस हमारे पास एक डायोड है, इसके नंबर है IN4007। तो इस वीडियो में हम ये दो चीजें ऐड करने वाले हैं। एक तो हमारे पास जो डायोड है, इसका वर्क सिंपली ये होगा कि जब इस तरह से हम धूप को अनइंस्टॉल करते हैं या फिर धूप हमारे सोलर पैनल पर नहीं आती है तो हमारा जो डायोड होगा वो इलेक्ट्रिसिटी को वन साइड फ्लो करेगा। और गाइस, कैपेसिटर का हमारे पास जो वर्क ये होगा कि हमारा जो कैपेसिटर है वो हमारे वोल्टेज को कांस्टेंट रखेगा, कि जिस प्रकार धूप से कभी वोल्टेज 4-3 4-3 इस तरह होते रहते हैं तो हमारा जो कैपेसिटर है वो इसको कांस्टेंट 4 या 3 रखेगा। मैं आपको अभी चेक करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि इसको कनेक्ट किस तरह करना है। तो सोलर पैनल को कनेक्ट करना मैंने आपको सिखाया था, आई होप आपको समझ में आया होगा, फिर भी मैं आपको वापस करके। तो भाई, सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको सोलर पैनल को किस तरह कनेक्ट करना है। तो आपको, आप देख सकते हैं कि आपके पास 3 सोलर पैनल होगी तो 3 के अलावा 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। आपको कनेक्ट किस तरह करना है, सिंपली इन तीनों के आपको नेगेटिव टर्मिनल को एक जगह कनेक्ट करना है। जैसे आप देख सकते हैं ये नेगेटिव, इधर ये नेगेटिव और नेगेटिव, तो मैं क्या करूंगा तीनों के नेगेटिव को एक जगह कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं तीनों के नेगेटिव को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, ये इधर और ये इसका नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं कि तीनों सोलर पैनल के जो नेगेटिव टर्मिनल है वो एक जगह कनेक्ट हो चुके हैं और इधर आपको 3 वायर मिलते हैं क्योंकि ये तीनों ही पॉजिटिव है, तो आपको इन तीनों पॉजिटिव वायर को एक जगह कनेक्ट कर लेना है। ये आप देख सकते हैं तीनों को मैंने एक जगह कनेक्ट कर लिया। मैंने क्या किया, सिंपली तीनों के नेगेटिव को एक जगह कनेक्ट कर लिया और तीनों के पॉजिटिव को एक जगह कनेक्ट कर लिया। अब क्या करना है गाइस, आपको हमारे पास जो ये कैपेसिटर है इसमें आपको एक तरफ पट्टी मिलती है और एक तरफ सिंपली मिलता है, तो जिस तरफ आपको पट्टी मिलती है उस तरफ आपको नेगेटिव टर्मिनल मिलेगा। इस टर्मिनल को आपको, मतलब ये जो आपका नेगेटिव टर्मिनल है इसको आपको नेगेटिव में कनेक्ट कर देना है। ये आप देख सकते हैं कि हमने नेगेटिव, ये रहा आपका सोलर पैनल का नेगेटिव वायर, मतलब ये, तो ये जो हमारा 3 वायर वाला नेगेटिव टर्मिनल है इसको आपको पट्टी वाले को सिंपली इसमें कनेक्ट कर देना है। और याद रखना होगा गाइज आपको कि ये 6 वोल्टेज का कैपेसिटर लेना होगा, आपको 6 से 8 तक चल जाएगा। और इधर आपको एक पॉजिटिव वायर मिलता है कैपेसिटर का, इस पॉजिटिव वायर को आपको पॉजिटिव में कनेक्ट कर देना है। ये सिंपली मैंने कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया। मैंने क्या किया गाइज, सोलर पैनल के तीनों वायर नेगेटिव को एक जगह, पॉजिटिव को एक जगह, फिर जो नेगेटिव वाला टर्मिनल था उसमें मैंने कैपेसिटर के ये जो पट्टी वाला वायर है इसको कनेक्ट कर दिया और सेकंड वाले को पॉजिटिव में कनेक्ट कर दिया। अब आपको एक डायोड मिलता है, तो मैं क्या करूंगा गाइज, इस वाले जो डायोड है हमारे पास इसको मैं सोलर पैनल वाले पॉजिटिव वायर, क्योंकि गाइज ये तो हमारे पास कैपेसिटर का नेगेटिव, तो ये पूरा टर्मिनल नेगेटिव होगा, ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल होगा, तो इस पॉजिटिव टर्मिनल में मैं क्या करूंगा इस कैपेसिटर को, यहाँ इस डायोड को यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा। अब गाइस आप ये पूछोगे कि डायोड में हमें किस तरह पता चलेगा कि नेगेटिव कौन सा है, तो गाइस डायोड में आपको एक पट्टी मिलेगी यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं एक सिल्वर पट्टी, तो ये जो सिल्वर पट्टी ये नेगेटिव है इसको इस तरफ रखना है और इसका जो पॉजिटिव है इसको सिंपली आपको पॉजिटिव से कनेक्ट कर देना है। अब क्या करना है आपको, ये हमारे पास जो चार्जिंग केबल है इसके यहाँ पर आपको एक तो रेड वायर और एक ब्लैक वायर मिलता है। इसमें गाइस आपको नॉर्मली 4 वायर मिलते हैं लेकिन इसमें 2 ही वायर कौन से यूज में लेने हैं, एक तो रेड और एक ब्लैक। ये जो ब्लैक वाला वायर है इसको आपको नेगेटिव में कनेक्ट कर देना है, ये देख सकते हैं आप ये नेगेटिव वायर है।
और ये जो आपको रेड वायर मिलता है इसको सिंपली आपको डायोड के यहाँ पर कनेक्ट कर देना है, ये आप देख सकते हैं, ताकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वन साइड फ्लो। अब क्या होगा गाइज, आपकी जो मोबाइल की बैटरी होगी उसका जो करंट है वो वापस इधर इस साइड फ्लो नहीं होगा। अब क्या करना है आपको, इसको सिंपली आपके मोबाइल में कनेक्ट कर देना है और आपका मोबाइल 101% चार्ज होगा। अब मैं आपको इससे चार्ज करके दिखा देता हूँ। तो गाइस ये आप देख सकते हैं कि हमारे को, हमने सिर्फ इसमें एक कैपेसिटर यूज़ किया है, ये आप देख सकते हैं, ये जो कैपेसिटर है ये है 6 वोल्टेज का। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने फुल्ली जो कनेक्शन है वो कंप्लीट कर दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो मोबाइल है इससे फुल्ली चार्ज होता है या फिर नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास सैमसंग का एक मोबाइल है, उसको मैं जैसे ही ये आप पिन देख सकते हैं कनेक्ट करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो मोबाइल है फुल्ली चार्ज हो रहा है, ये आप देख सकते हैं चार्जिंग। अब जैसे मैं इसको हटाता हूँ, तो इस मेथड से क्या होने वाला है कि हमारा जो मोबाइल है वो डैमेज भी नहीं होगा और हमारा मोबाइल फुल्ली 101% चार्ज भी होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इससे जो धूप नहीं आएगी तो हमारा जो वोल्टेज है वो किस प्रकार मैनेज हो जाता है। तो मैं आपको वोल्टेज से चेक करके दिखाता हूँ। तो अब मैं आपको मल्टीमीटर से चेक करके दिखा देता हूँ कि इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो कितना है, ये आप देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि अभी जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो 3 वोल्टेज है। जैसे ही मैं इसको सोलर पैनल के ऊपर हाथ रख लेता हूँ, फिर भी हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो आप देख सकते हैं कि 3 वोल्टेज ही रहेगा, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि गाइज ये जो कांस्टेंट हमारे को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है ये हमारे को इस कैपेसिटर की वजह से मिल रही है। तो गाइज आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर से कर देना। मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।